अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए एलजेपी में चिराग और पशुपति पारस के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आज चिराग ने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में पांचों सांसदों को निष्कासित कर दिया। वहीं चिराग के इस फैसले पर पशुपति पारस ने सवाल उठा दिए हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस। सर, कल आपको आपके संसदीय दल ने नेता चुन लिया, लोकसभा ने भी मान लिया, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने पांच सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया जिन्होंने आपका समर्थन किया था। चार, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान के तहत चलता है। देश में एक अपना संविधान है और एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सिस्टम है, उसके आधार पर पूरा देश चलता है। पार्लियामेंट से लेके असेंबली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का हो या सरकार हो, जो भी सरकार हो, एक सिस्टम है बना हुआ। तो जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के छः सांसदों का, जो पहले श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई और नोटिफिकेशन विधिवत परसों रात में ही हो गया। तो अब तो ये जो हास्यास्पद है, किस हैसियत से चिराग पासवान जी पांच सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं। आज उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम लोगों ने बुलाई, कार्य समिति की बैठक बुला करके 12 बजे दिन में, और ये फैसला लिया गया कि चूँकि हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में तीन पद, एक व्यक्ति तीन पद है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है और संवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। सर, आपने भी कार्य समिति की बैठक की है, आपने जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सूरज भान जी को नियुक्त किया है और उनको ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है अगले अध्यक्ष के लिए। कब आपके नए अध्यक्ष का चुनाव है और कब कार्यकारिणी की बैठक होगी? उसमें जो कार्य समिति की बैठक आज हुई उसमें सर्वसम्मति से श्री सूरजभान सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप पाँच दिनों के अंदर में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा दें।